बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बन रहा है फ्रूट चाट। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौसम के एतबार से आपने लेने हैं। जो भी फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकती हैं, और दूसरी बात आप अपने लाइक और डिसलाइक के हिसाब से भी यूज़ कर सकती हैं। जो चीज़ आपको लाइक नहीं है वो आप उसमें से निकाल दें, जो लाइक करते हैं वो डाल दें। अभी मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हैं, मैंने 2 एप्पल स्लाइस किए हुए हैं, 2 गोवाज़ हैं अमरूद वो छील के स्लाइस किए हुए हैं, कुछ लोग छिलके के साथ पसंद करते हैं वो छिलके के साथ काटते हैं, साथ 2 बनानाज़ हैं उनको भी स्लाइस किया हुआ है, साथ हमें चीनी थोड़ी सी चाहिए, साथ हमें चाहिए ऑरेंज जूस, ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के ऑरेंज का जूस मैंने लिया है, और साथ चाहिए चाट मसाला। तो चले बनाते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे एप्पल, साथ हम गावा, बहुत इजी है, और ये डाइट के लिए भी आप बना सकते हैं, डाइट में भी आप बना सकते हैं, और ऐसे भी विदाउट डाइट नहीं है आप यूज़ कर डाइट नहीं कर रहे हैं तो भी ये बहुत यमी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशियस है, आपके लिए बहुत हेल्दी है। ये तीनों हमने फ्रूट डाल दिए, तकरीबन थोड़ी सी हम चीनी 1 स्पून डालेंगे, 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून। इसमें हम डाल देंगे ऊपर से ऑरेंज जूस, ये ऑरेंज जूस है, रेड ब्लड ऑरेंज है इसलिए इनका जूस थोड़ा रेड रेड आया है, और हल्का सा डाल देंगे चाट मसाला। इन इंग्रेडिएंट्स को सबको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और हमारा फ्रूट चाट रेडी है, बहुत यमी और बहुत मज़ेदार। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो फिर चीनी को हटा दें, अगर आप डाइट के लिए बना रहे हैं तो चीनी इसमें से निकाल दें, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ऑरेंज जूस की जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑरेंज जूस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी और फ्रूट का जूस ले सकते हैं, जैसे पीच का जूस ले सकते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा नेस्ले का जूस भी डाल सकते हैं अगर और कोई जूस अवेलेबल नहीं है, और इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ थोड़ा सी चीज़ें चेंज करने से इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और इसके लाइक जो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसका हम एक सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी जूस अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें और उसको मिक्स करेंगे, जब वो फ्रूट का टेस्ट उस पानी में आ जाएगा और वो ख़ुद बहुत जूस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा, इंशाल्लाह आप पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।